हेलो हाय एंड नमस्कार सभी को। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके एंड्रॉयड डिवाइस के तीन ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और वो कौन से टिप्स हैं, कौन से ट्रिक्स हैं, उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो यहाँ पर देखना होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी ट्रिक है वो क्या है दोस्तों? जैसे कि आपका जो डिवाइस है, मान लो कि आपका डिवाइस पूरा दिन आपके बच्चे के पास था या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के पास था, और आप चाहते हैं कि आप पता लगाएं कि उन्होंने क्या सर्च किया पूरा दिन, क्या क्या देखा मेरे फ़ोन में, क्या नहीं, पूरा यहाँ पे हिस्ट्री जो है आपको पता चल जाएगी। वो कैसे चलेगी? उसके लिए जाना होगा आपको आपके फ़ोन के ब्राउज़र पे चले गए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ क्रोम ब्राउज़र पे। तो क्रोम ब्राउज़र सबसे सेफ़ है, तो आप क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करें। तो मैं क्रोम ब्राउज़र पे चला गया। फिर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा माई माई मोबाइल एक्टिविटी, है माई मोबाइल एक्टिविटी आपने ये सर्च करना है। जैसे मैंने अपने माई मोबाइल एक्टिविटी यहाँ पे सर्च किया, तो वेलकम टू माई एक्टिविटी यहाँ पे आ गया। फिर आपने इसे ओपन करना है। तो ये इसमें अपने फ़ोन की आईडी आपने खोल के रखनी है, तभी ये काम करेगा, अपनी जीमेल। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या क्या सर्च किया है, क्या नहीं, सैमसंग होम, तो कैमरा, क्रोम, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, फेसबुक, तो यूट्यूब, यूट्यूब स्टूडियो, व्हाट्सएप मैसेंजर, रील्स, मतलब कि मैंने यहाँ पे जो भी सर्च किया है, जो भी मैंने देखा है, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री जो यहाँ पे निकल जाती है। पबजी गेम मैंने यहाँ पे खेली है रियल टाइम, मतलब यहाँ पे जो भी आपने दिन भर एक्टिविटी की है, मतलब कि अपने फ़ोन पे क्या देखा है, क्या नहीं, कौन सी एप्लीकेशन खोली है, क्या पूरा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, ऐसे जो आप अपनी एक्टिविटी का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी सेकंड ट्रिक है वो क्या है, उसके लिए जो है आप अपने व्हाट्सएप खोलेंगे या फिर आपको कोई मैसेज आएगा, कोई भी आपको मैसेज करेगा इंग्लिश में। मान लो कि मुझे ये इंग्लिश का मैसेज आया हुआ है ये, तो आपको भी कई बार क्या होता है कि इंग्लिश समझ में नहीं आती है, कई लोगों को तो आ जाती है लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आता है, आप कॉपी पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो भी इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पे इसकी हिंदी में जो है ट्रांसलेशन जो है हो चुकी है। तो दोस्तों, ये मैंने कैसे किया, ये ऑप्शन कैसे आया, मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना होगा आपको, एक एप्लीकेशन ट्रांसलेशन जो है, ये गूगल ट्रांसलेट जो एप्लीकेशन या डाउनलोड करनी होगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपने इसको ओपन करना है। सेट कैसे करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे इंग्लिश को आपने हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे लैंग्वेज जो है हिंदी सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे आपने जो भी परमिशन मांगेगा आपने यहाँ से अलाउ कर देनी है। और सेटिंग पे जाके जो है इसको टैप टू ट्रांसलेट को यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। फिर ये जो है आपके व्हाट्सएप पे या कहीं और जहाँ भी आप हिंदी को, मतलब इंग्लिश को कॉपी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप हिंदी में उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये जो सेटिंग है आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करनी होगी, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बात करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। जैसे कि यूट्यूब, यूट्यूब में आप कुछ भी सर्च करते हैं, मान लो कि आपने कुछ भी यहाँ पे सर्च किया उल्टा सीधा, तो कई बार क्या होता है कि आपका फ़ोन कहीं किसी और के हाथ में लग जाता है और वो अपने आपकी जो है सर्च हिस्ट्री देख लेता है कि आपने क्या सर्च किया क्या नहीं। तो आप जो है इन सर्च हिस्ट्री को बंद कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे जाने के बाद जो है आपने जाना है यहाँ पे हिस्ट्री एंड प्राइवेसी। हाँ दोस्तों, हिस्ट्री एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे जो है पॉज वॉच हिस्ट्री, तो मैंने पॉज वॉच हिस्ट्री को यहाँ पे बंद रखा हुआ, पॉज सर्च हिस्ट्री तो मैंने इसको ऑन रखा हुआ है। तो आप जो है इन दोनों को बंद कर सकते हैं, तो आपकी जो सर्च हिस्ट्री है वो यहाँ पे पॉज हो जाएगी और वॉच हिस्ट्री जो है वो भी यहाँ पे जो है आपकी पॉज हो जाएगी। तो इस तरह जो है इन सेटिंग को ऑन ऑफ करके जो है आप अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं उन्हें छिपा सकते हैं जो आप सर्च करते हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो सर्च करनी पड़ती हैं लेकिन आप नहीं चाहते किसी और को पता चले, तो ये एक अपनी। तो दोस्तों,
इस प्राइवेसी को आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन पे, कोई से भी एंड्रॉयड डिवाइस पे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। चलो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर।